कान्हा नेशनल पार्क एशिया के खूबसूरत पार्कों में से एक है। कान्हा नेशनल पार्क सबसे पुराने अभयारण्य में से एक है। यह पार्क जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। यह देश का सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। इस अभयारण्य का मुख्य आकर्षक बाघ को माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता घास के खुले मैदान है। यहाँ काला हिरण, बारह सिंघा, सांभर और चीतल एक साथ देखे जा सकते हैं। बांस और टीक के वृक्ष इस पार्क की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी घूमने आते हैं। यह पर्यटन के केंद्र के साथ साथ भारतीय वन्य जीवन के प्रबंधन और संरक्षण की सफलता का प्रतीक भी है। यह राष्ट्रीय उद्यान करीब 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान सदाबहार साल वनों से घिरा हुआ है। पार्क में साल के पेड़ों के दो विशाल ठूठों को देखा जा सकता है। इनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है। इसे राजा रानी के नाम से जाना जाता है। इस उद्यान को 1933 में अभयारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था। 1955 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान को कान्हा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। बताया जाता है कि अयोध्या के महाराज दशरथ ने कान्हा में स्थित श्रवण ताल में ही श्रवण कुमार को हिरण समझकर मार गिराया था। कान्हा शब्द कनहर से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी है। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी स्थान से ली गई थी। यहाँ स्तनधारियों की करीब 22 प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां हैं, जिनमें सारस, बतख, पैंटल, बगुला, मोर, तीतर, बटेर, पहाड़ी कबूतर, पपीहा, कठफोड़वा आदि देखने को मिल जाते हैं। पार्क घूमने के लिए जीप की सवारी बेहतर विकल्प है। अगर आपको नजदीक से बाघ देखना है तो हाथी की सवारी बेहतर होगी। बामनी दादर पार्क का सबसे खूबसूरत स्थान है, जहां से मनमोहक सूर्यास्त देखने को मिलता है। यहां कान्हा संग्रहालय भी है, जिसमें कान्हा का प्राकृतिक इतिहास संरक्षित है। इसमें यहां का शानदार दृश्य दिखाया जाता है। पार्क 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है। मानसून के दौरान यह बंद रहता है। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 175 किलोमीटर दूर जबलपुर में है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जबलपुर और बिलासपुर में है। यहाँ नियमित रूप से बस और टैक्सी भी चलती हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा नेशनल पार्क के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।